आज आप लोगों को एक एम्पलीफायर दिखाएंगे जो बीटा 3 से बिलोंग करती है। डीटी सीरीज़ का एम्पलीफायर है और ये डीटी सीरीज़ का सबसे कम वाटेज का एम्पलीफायर है। तो पहले इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद स्पेसिफिकेशन बताएंगे और वो भी बताएंगे कि आप इसके साथ क्या क्या स्पीकर चला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्नजीत मित्रा और आप लोग देख रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक्स का यूट्यूब चैनल। ये हमारा गुवाहाटी का ब्रांच है। और एक आप लोगों को खुशखबरी दे दें, जो भी गुवाहाटी में हमारा नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, जो हमारा कस्टमर है, आगे से यहाँ पर आपको ईएमआई का सुविधा भी मिलेगा। तो इसका मतलब अगर हाई वैल्यू कोई आइटम खरीद रहे हैं तो आप ईएमआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि आज मैंने डीटी 1000 दिखाएंगे आप लोगों को। ये डीटी सीरीज का सबसे लो वाटेज का एम्पलीफायर है। इसका स्पेसिफिकेशन ये है कि इसका 8 ओम्स में जो है 500 वाट निकलता है पर चैनल में, और आपको 4 ओम्स में मिलेगा 850 वाट। तो आप 500 मतलब 8 ओम्स में अगर सिंगल 15 इंच का कोई या 12 इंच का अगर स्पीकर चला रहे हैं जिसका वाटेज 500 वाट हो या 400 वाट है, मैं तो रिकमेंड करूंगा 400 वाट का स्पीकर, तो आप सिंगल 8 ओम्स में 2 स्पीकर आराम से बजा सकते हैं। और अगर आप डबल 15 का यूज कर रहे हैं तो 12 इंच का अगर 2 है आपके पास या 15 इंच का जो 700 वाट प्रोड्यूस करती है तो आप इसमें से चला सकते हैं, क्योंकि इसका 4 ओम्स में 850 वाट ही निकलता है। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं। ये हमने खोल लिया है, अभी इसको रखते हैं यहाँ। तो दोस्तों हमने ये अनबॉक्स कर लिया इसको एम्पलीफायर को, और अभी हम लोग क्लोजली दिखाएंगे कि सामने का पैनल और पीछे का पैनल, दोनों पैनल आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी थोड़ा फ्रंट ग्रिल देखते हैं। और ये हैंडल है, देखिए यहाँ पर बीटा 3 लिखा हुआ है और ये साइड में लिखा है डीटी 1000। आप मैं बार बार बोलता हूँ ये मॉडल नंबर है ये, लेकिन मशीन का वाटेज नहीं है। इसका वाटेज मैंने पहले बोल दिया आपको। और ये है इसका फ्रंट ग्रिल, और ये है इसका 2 चैनल का 2 नॉब जहाँ से आप क्लिपिंग वगैरह सब देख सकते हैं। तो चलिए अभी बैक पैनल देखते हैं। अभी हम लोग बैक पैनल देखेंगे दोस्त। तो ये आप देख सकते हैं छोटी सी एक फ़ैन है, एक ही फ़ैन है लेकिन। और ये क्लास डी एम्पलीफायर जो होता है ना, इसका एक खासियत होता है कि इसमें हीट प्रोड्यूस बहुत कम होता है। इसके लिए एक ही फ़ैन लगा हुआ है और वो भी काफ़ी छोटा है। और इसका मैं वेट बता दूँ, इसका ग्रॉस वेट जो है ना वो करीबन 13 किलो है। तो इसका नेट वेट जो है ना वो मोटा मोटी 10 से 11 किलो का ऊपर नहीं होगा। तो आप मान के चलिए कि 850 वाट का मशीन, 850 मतलब 1500 वाट का मशीन, 1600 वाट का मशीन जो है ना 10 किलो वेट है। ये क्लास डी का और एक खासियत है। यहाँ पर देखिएगा सीरियल नंबर लिखा है, और ये जो सेक्शन है ना ये है एक्चुअली आउटपुट सेक्शन। ये दाग दिया हुआ है, ये आउटपुट सेक्शन है दोनों का। यहाँ पर देखने लायक इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये है इनपुट सेक्शन, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक्सएलआर के भी दिया हुआ है, दोनों साइड से आप कनेक्ट कर सकते हो। और ये यहाँ पर देखिए एक लिमिटर दिया हुआ है, इसको आपको नीचे रखना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो दोस्तों ये जो लिमिटर है ना, इसमें थोड़ा देख लीजिए, मोड 1 और 2 लिखा हुआ है। मोड 2 आप यूज़ करेंगे जब आप क्रॉसओवर यूज़ करेंगे, मतलब विथ क्रॉसओवर, और मोड 1 आप यूज़ करेंगे जब आप क्रॉसओवर नहीं यूज़ कर रहे हैं। बस इसका इतना ही कहानी है। और यहाँ पर देखिए अलोन और लिंक का किया हुआ है। अलोन करेंगे तो ये 2 अलग अलग बजेगा, 2 चैनल। अगर आप इसको लिंक करेंगे तो दोनों चैनल का आउटपुट एक ही हो जाएगा, बस इतना। और यहाँ पर देखिए एक रिसेट स्विच दिया हुआ है, और ये पावर कॉर्ड है। बस डीटी 1000 बहुत सिंपल सा एम्पलीफायर है, आप इसको आराम से चलाइए। 3 साल का वारंटी है, और जैसा डीटी सीरीज में दूसरे एम्पलीफायर में है कि इसमें भी शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो मतलब एक चैनल पर अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो दूसरा चैनल एज यूजल चलेगा, मशीन आपका नहीं बैठेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने देखा डीटी सीरीज का सबसे छोटा एम्पलीफायर डीटी 1000, और ये बीटा 3 कंपनी से बिलोंग करती है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।